अगर आप संजय दत्त की बहुत बड़े फैन हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि संजय दत्त लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर कमबैक करने जा रहे हैं अपनी आने वाली फिल्म भूमि से। जी हाँ, संजू बाबा की फिल्म भूमि का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जहां संजय दत्त अपनी वाइफ मान्यता दत्त के साथ नजर आए। तो दूसरी तरफ इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी, शेखर सुमन, फिल्म के डायरेक्टर उमंग कुमार, रणबीर कपूर, विधु विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी, टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार भी पहुंचे। ट्रेलर लॉन्चिंग के दौरान मुन्ना भाई ने कहा कि मेरी वाइफ मान्यता ने हर पल हर लम्हा मेरा साथ दिया है और आगे भी देंगी। आपने बिल्कुल सही कहा है कि मान्यता जी ने हर पल हर लम्हा मेरा साथ दिया है और हमेशा देंगी, और एक दो ऐसी चीजें मुझे दी हैं जहाँ वो कोई दे नहीं सकता, इकरा और शारा। और इनसे बिल्कुल एक चीज सीखने में मिली है, वो गुस्सा, वो मैंने पोर्ट्रे किया है भूमि में शरद के ऊपर। वहीं संजू बाबा से जब पूछा गया कि आपने पर्दे पर वापसी भूमि फिल्म से ही क्यों की, तो इसके जवाब में संजय दत्त ने कहा कि मैं वापसी एक ऐसी फिल्म के साथ करना चाहता था जिसे देखकर मेरी फैमिली कहे कि ये अच्छी फिल्म है। पिक्चर जो पहली आएगी, एक मैसेज हो, एक ढंग की पिक्चर हो, एक परफॉर्मेंस बेस्ड पिक्चर हो, एक पिक्चर जो मेरे बड़े भाई विनोद जी देखकर प्राउड हो, गाली नहीं दे, जो मेरी वाइफ देख के बोले कि बहुत अच्छी पिक्चर है, नहीं तो वो भी गाली दे देती है, और बाकी के जितने प्रिया भी गाली देती है, ये ओवन तो नहीं दे सकता बेचारा, लेकिन एक दो ड्रिंक के बाद मैं बोल सकता लेकिन ये सब डेंजरस लोग बैठे हैं यहाँ पे भी, ये लोग भी, वो परेश जी भी है, पंटी वालियाल, बंसल साहब और बिट्टू, तो आई थिंक इसी वजह से मैंने बहुत सोच समझ के ये पिक्चर की। इस मौके पर बर्फी बॉय रणबीर कपूर ने कहा कि मैं संजू सर का बहुत बड़ा फैन हूं, और संजय दत्त की बायोपिक के बारे में बात करते हुए कहा कि जब भी मैं इस फिल्म के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ये फिल्म बायोपिक नहीं बल्कि साइंस फिक्शन होना चाहिए। जी, मैं संजू सर को बचपन से जानता हूं, लेकिन जब हमने बायोपिक पर काम करना शुरू किया तो मुझे हमेशा लगा कि ये एक्चुअली बायोपिक नहीं हो सकती, ये एक्चुअली एक साइंस फिक्शन फिल्म है, क्योंकि ऐसी लाइफ एक इंसान को जीना, मतलब आप, मेरे समझ में ही नहीं आया कि ऐसी लाइफ कौन जी सकता है। मुझे एक्चुअली अभी कल की बात है, जब संजू सर ने मैसेज किया कि यू नो ट्रेलर लॉन्च पे आ जाओ, तो सडनली मुझे एहसास हुआ अरे यार ये तो मेरा ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। फिर पीछे से एक दूसरे रणबीर ने मुझे टपली दिया और कहा कि तुम कभी संजय दत्त बन नहीं सकते, संजू सर का ट्रेलर लॉन्च है, दैट यू हैव टू गो एंड अटेंड। तो मैंने एक साल इनको इम्यूलेट करने की कोशिश की, प्रार्थना करता हूँ कि ठीक ठाक किया, क्योंकि ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, नॉट जस्ट इन द इंडस्ट्री बट इन द कंट्री, यू नो समथिंग दैट वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, वी कैन टेक सो मच फ्रॉम हिज लाइफ। बट हाँ, जब मैं कभी सोचता हूँ बायोपिक के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, यही मेरे सोच में आता है कि ये साइंस फिक्शन फिल्म है, ये एक रोमांटिक या रोमांटिक फिल्म है। तो दूसरी तरफ लॉन्चिंग के मौके पर इस फिल्म के डायरेक्टर उमंग कुमार ने संजू बाबा को इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए गले लगाकर थैंक यू कहा। दिस फिल्म ऑब्वियसली इज वेरी वेरी स्पेशल फॉर दी मैन दैट इज देयर व्हिच इज संजू बाबा, एंड वी स्टिल नो संदीप एंड मी व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस एंड इन 1 मिनट ही सेड दिस इज इट, वी सेड दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज माय कमबैक फिल्म। And suddenly we also didn't realize, oh, ये तो बोझ आ गया हमारे सर पर। I mean, उनका comeback, he was doing other films, but he said this is the film, and he trusted the film more than us. And we said thank you, sir, and he trusted me. Thank you for just being part of this film. And it just like, you know, I still remember the first day when the camera rolled and his face was on the monitor. I said, my God, oh, wait, breathe. He was nervous that day, but the first day of the comeback and. But we just rolled, and the way he rolled, my God, it's overwhelming when you see him on the big screen. Really, his eyes talk, and that's why the poster is this, is the fantastic eyes that speak the whole film. The whole film is this poster. And thank you for being part of this. Big thank you. I just want to hug you, because your hugs are the biggest hug. Thank you, sir. Thank you for being part of this. इस मौके पर संजय दत्त की बेटी त्रिशाला ने अपने पिता संजय दत्त के लिए एक प्यारा सा वॉइस मैसेज भेजा, जिसे सुनकर संजय दत्त काफी इमोशनल हो गए। My dearest Papa Dukes, it feels so nice to know that you've chosen to launch the trailer of Bhoomi on my birthday as a surprise. It
gives me so much joy to know that you've chosen a film based on a father-daughter relationship as your comeback film as well. I'm really, really proud of you, Dad. इस मूवी में संजय दत्त एक ऐसे पिता की भूमिका निभा रहे हैं जो अपनी बेटी के लिए लड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिल्म में संजय के साथ अदिति राव हैदरी भी दिखेंगी जो उनकी बेटी के किरदार में है। वहीं ये फिल्म 22 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। अब देखना ये है कि क्या पिता और बेटी की ये कहानी दर्शकों के दिल में उतर पाएगी, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा।